सभी प्यारे भाइयों और सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है EMRS की तरफ से, और आप सभी ने वो PDF देख भी ली होगी, वो लेटर नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा कि 12 फरवरी 2024 को जो रोजगार मेला लग रहा है उसके अंदर अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को पोस्टिंग मिल रही है। उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा साथियों, मैंने पहले 4-5 वीडियो मैंने बनाए थे, आज से डेली में एक वीडियो अपडेट करता हूं। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस फरवरी के अंदर जिन जिनका DP हो गया है उनको रोजगार मिलने से पोस्टिंग मिल जाएगी, कहा था मैंने, और रिमेनिंग कैंडिडेट है उनको मार्च के अंदर पोस्टिंग मिल जाएगी, ये भी मैंने कहा था। तो जो कहा वो ही हुआ, बस आप सब भाइयों का साथ और विश्वास मेरे साथ था, इसलिए भगवान ने वो सुनी और आप सभी की पोस्टिंग ऑर्डर आ चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं कि रोजगार मेला में पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर रोजगार मेला हम फिजिकली ज्वाइन नहीं करते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर अब हमें कहाँ से मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि मिठाई कैसे रिजर्व, मिठाई तो डिजर्व करते हैं, सिलेक्शन होता है तो हम भी डिजर्व करते हैं, आप पड़ोसियों को बांटोगे तो अपने भाई को भी देना है मिठाई। खैर चलिए आगे देखते हैं बातें कि रोजगार मेला में पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो साथियों, रोजगार मेला में जिन जिन कैंडिडेट्स को रोजगार मेला लेटर मिला है उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि उनकी जो पोस्टिंग आएगी वो कंसर्न स्टेट में ही कंसर्न स्टेट के अंदर आएगी, यानी उनका जो राज्य है, उनका जो स्टेट है, 99.99% चांस है कि उनकी जो पोस्टिंग है वो उनके स्टेट के अंदर ही मिलेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, या तो स्टेट के अंदर या स्टेट के जस्ट पास में, और जहां तक मुझे लग रहा है स्टेट के अंदर ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, स्पेशली जो ट्राइबल एरिया वाले स्टेट है जैसे अरुणाचल प्रदेश है, उनके जो कैंडिडेट है उनको तो 100% काम मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड के आसपास में उनको मिल जाएगी। तो पोस्टिंग जो है वो आपको स्टेट के अंदर मिलने का पूरा पूरा चांसेस बन रहा है। और अब चलिए दूसरी बात करते हैं, अगर रोजगार मेला फिजिकली ज्वाइन नहीं किया तो अपॉइंटमेंट लेटर कहां से मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप रोजगार मेला ज्वाइन नहीं कर पाते हो, दिए हुए वेन्यू पर नहीं पहुंच पाते हो, तो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको मेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। बट साथ ही मैं आपको एक बात कहूंगा कि इस जॉब को पाने के लिए हमने इतनी सालों तक मेहनत की है, प्लीज रोजगार मेला जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा, मैं सच बता रहा हूं, उस अपॉइंटमेंट लेटर को देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और मेल का वेट मत करो, जरूर जरूर जाना है। आप किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो, अपने भाई की शादी हो, कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ दो, अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए रोजगार मेला जरूर ज्वाइन करो। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो आप जब घर जाओगे तो आपकी मम्मी पापा भैया बहन कितने खुश होंगे, दादाजी और दादी जी भी आपसे कितना खुश होंगे। प्लीज वो रिकॉर्ड करके हमें भी भेजना, और वो जो मोमेंट है उसके लिए मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना, मतलब आपके घर वाले कितना खुश होंगे। तो प्लीज अपॉइंटमेंट लेटर आपको मेल से मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, बट अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको फिजिकली अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जब आप घर जाओगे ना तो मैं कहूँ भाई साहब कहना ही क्या, सब कुछ आपके मुट्ठी में होगा। चलिए साथियों, अब अगली बात करते हैं कि मिठाई कैसे भेजें। ये देखो मैंने इमोजी भी बनाई है हंसने वाली कि भाई मैं भी मिठाई डिसीव करता हूं, तो मिठाई कैसे भेजनी है। तो अगर आप मुझे मिठाई भेजना चाहते हो तो आपको मेरा नंबर पता ही है, उसके ऊपर गूगल पे करवा देना या फिर कुरियर करवा देना, तो भाई मिठाई तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार 10-20 रुपए की मिठाई आप चाहते हो, भाई भाई 50 रुपए की मिठाई का हकदार है तो 50 भेज दो, 100 की मिठाई का हकदार तो 100 भेज दो, 200 का, मतलब मान नहीं रहा हूँ, मतलब मजाक कर रहा हूँ, जो आपका दिल करे मिठाई। एक्चुअली क्या, मैं राजस्थान में हूँ तो राजस्थान वाले एड्रेस पे मत भेजना, मैं अभी हैदराबाद के पास में KV के अंदर पोस्टिंग हूँ, तो वहां आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि मिठाई की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके बस एक बार घर चले जाओ, मुझे तो वही मेरी मिठाई है, मैं आपके बस वो एक वीडियो बना के प्लीज प्लीज मुझे जरूर 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 भेजना। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो प्लीज आप उसका घर जाके वीडियो बनाओ, घर वालों का रिएक्शन मुझे भेजो, वो मेरे लिए सच्ची मिठाई होगी। बस मैं सच बता रहा हूँ साथियों, मेरे को भी, मैंने भी जॉब रो रो के प्राप्त की थी, बहुत मेहनत की थी, बहुत भगवान से प्रे की थी, तब जाके जॉब मिली, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक जॉब का वैल्यू क्या है। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज भाई एक वीडियो थारा भाई ने बना के जरूर भेजना है, जरूर जरूर थाना एक वीडियो तो भेजना ही है कि घरवाला को रिएक्शन क्या हो। अगर गांव से हो और राजस्थान के गांव से हो तो भाई जिस दिन तारा घर चूरमो बनाना बालाजी की ढोकला गए तो वो वीडियो भी तेमन भेजना। तो ये सारी बात ही, और एक बार पुनः सबना है बहुत 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 मुबारक, शुभकामनाएं, खुश रहो, मौज करो, ऐश करो और ज्वाइनिंग करो जल्दी से जल्दी। चलो साथियों, धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर। आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरे भाई को पोस्टिंग मिल गई, इसलिए मैं बीच में राजस्थानी आ रही है,
कहते हैं ना कि जब आदमी या तो बहुत दुखी होता है या बहुत सुखी होता है तो उसकी लैंग्वेज खुद उसके मुंह से निकलने लगती है, वो इसीलिए निकल रही है। ठीक है साथियों, बाकी आज के लिए इतनी अपडेट है। डीबी के रिगार्डिंग अपडेट अगर मैं बात करूं तो चांसेस है कि जो कट ऑफ डेट वाली जो प्रॉब्लम चल रही है शायद वो रिजोल्व हो जाएगी, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं कि रिजोल्व हो जाएगी कट ऑफ डेट वाली प्रॉब्लम। तो उनके लिए मैं भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कट ऑफ डेट वाली जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाए, सॉल्यूशन उसका निकल आए। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।